कमेंट में मुझसे कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या शिव जी की साधना के लिए भी ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि शिव साधना के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है या नहीं, या किन साधनाओं में ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है, अथवा कब कब हमें ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। तो आज वीडियो को पूरा देखिए और इस चीज को समझ लीजिए। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोरेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी विद्यारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलो धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात की धाता श्यामला रूप धारिणी मोर जनहा वंदिता मातंगी मोर कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि हृदय देवी अष्टादश भुज धारिणी। सभी से सभी नए निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोरेश्वर बोल बम। देखिए होता यह है कि हम ब्रह्मचर्य धारण करते हैं साधना काल में, तो इसको जानने के लिए समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ब्रह्मचर्य क्या होता है और किस प्रकार इसको निभाया जाता है। इसके ऊपर हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे अथवा आप स्वयं भी जाकर के ढूंढ सकते हैं, ब्रह्मचर्य क्या है नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा। अब रही दूसरी बात कि क्या किन साधनाओं में हमें ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना चाहिए या कब करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहली चीज ये कि साधना और भक्ति दोनों में बहुत अंतर है। अब क्या अंतर है पहले हम ये समझ लेते हैं, तब आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और आपके मन का भ्रम दूर हो पाएगा। देखिए भक्ति वह है जैसे कि हम भजन कीर्तन करते हैं, हम जिसको भी मानते हैं उसमें श्रद्धा विश्वास रखते हैं, हमें कोई नियम नहीं पता, बस हम उनको जानते हैं कि हमारा कोई भी काम होता है हम उनके आगे बोलते हैं और जब वो काम हो जाता है तो हम खुशी उनके सामने जाहिर करते हैं, जब कोई काम नहीं होता है या कोई दुख तकलीफ पीड़ा आती है तो हम उनके सामने रंज जाहिर करते हैं। तो ये हमारी भक्ति है, हमारी आस्था, ये हमारा लगाव है, ये हमारा विश्वास है जो हम अपने आराध्य देवताओं के प्रति निभाते हैं, और हम जिनके सामने ये सब मानते हैं ये सब करते हैं और जिसका नाम हमारे मुख पर सबसे पहले आता है उन सभी में से हम उसको इष्ट देव मानते हैं। तो ये हो गए इष्ट देव, आराध्य देव, हमारे कुलदेव भी होते हैं, हमारे पितृदेव भी होते हैं, जो सबकी कृपा हम प्राप्त करते हैं। तो ये भक्ति हुई। भक्ति के लिए भी आप एक वीडियो देख सकते हैं जो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा कि नवधा भक्ति क्या है और किस प्रकार की जाती है। संक्षेप में मैंने सभी प्रकार की भक्तियों का उसमें वर्णन किया है। नवधा में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई, तो 9 तरीके से जो भक्ति होती है उसकी वर्णन है उसमें। तो आपको जब ब्रह्मचर्य क्या है ये समझ आ जाएगा, नवधा भक्ति क्या है ये समझ में आ जाएगा, तब यहाँ आप अंतर बहुत अच्छे से स्पष्ट कर पाएंगे कि भक्ति आपके हृदय का भाव है। जब आपके हृदय में इस प्रकार से हो जाता है, लगाव हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ना प्रेम, जैसे किसी को, किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रेम हो जाता है तो उसके पीछे कैसे दीवाने या पागल हो जाते हैं, देखे बिना चैन नहीं आता, उसका हाल चाल पूछते हैं, उसने खाया होगा नहीं खाया होगा उसका ध्यान रखते हैं, उसने क्या किया क्या नहीं किया, उसके ऊपर कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई संकट तो नहीं है, हम ये सारी फिक्र चिंताएँ करते हैं, हम चाहते हैं कि वो हर मुसीबत से दूर हो। बस यही हमारा आराध्य के प्रति भाव रहता है कि हम अपने जीवन की परेशानियां तो कहते हैं अरे ये तो आती जाती रहती हैं, हम जिसकी आराधना पूजा करते हैं हम चाहते हैं, हम उसको अपने या तो बाल स्वरूप में कोई मानता है या कोई उनको अपने पिता के रूप में मानता है, कोई भाई के, कोई सखा के, कोई गुरु के रूप में मानता है, तो हम जिस भाव से उनको मानते हैं, जिस भाव से उनको जानते हैं, उसी प्रकार से उनकी फिक्र चिंता या उनकी आराधना करते हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं, हमारे मस्तिष्क में हमारे हृदय में सदा वही बसे रहते हैं। हमें कोई खुशी होती तो हम उसको सुनाते हैं, हमारे कोई दुख होता है तो हम उसको सुनाते हैं, जैसे कि हम अपने सखा के साथ करते हैं, अपने प्रियतम के साथ करते हैं, वही व्यवहार हम उनके साथ करते हैं। और उसके बदले में, इस फिक्र चिंता के बदले में, वहाँ ऐसा नहीं होता कि आप प्यार लुटा रहे हो तो बदले में प्यार नहीं मिलेगा, धोखा मिलेगा, नहीं, वहाँ शाश्वत शुद्ध प्रेम है जो आत्मा से आत्मा का संबंध है। आप उनके प्रति अपनी आत्मा, अपने मन के तार, अपने
संबंध उनके साथ जोड़ लेते हैं तो वहां से भी आपको प्रतिफल तुरंत ही मिलना प्रारंभ हो जाता है, चाहे वो दृश्यमान हो या अदृश्यमान हो, संकेत रूप से आपको वो प्राप्त होने लगता है। आप यकीन मानिए, आप श्रद्धा और विश्वास रखिए, आप प्रेम तो करके देखिए, आपको प्रेम ही मिलेगा। यही जो भाव है, यही जो भक्ति है, यह जब बढ़ जाती है तो इसको हम भक्ति कहते हैं, और इसके बिना आपकी कोई साधना संपन्न नहीं हो सकती। ये आप एक चीज़ और नोट करके रख लीजिए, जहाँ भक्ति होगी वहीं साधना होगी। अब होता क्या है कि जो लोग गृहस्थ हैं वो सिर्फ भक्ति करते हैं, विभिन्न प्रकार से करते हैं और उस भक्ति का फल प्राप्त करते हैं, लेकिन साधक क्या करता है, इस भक्ति में अपने आप को निरंतरता देने के लिए, जन्म जन्मांतर तक के बंधन बांधने के लिए आराध्य से अपने आप को साधने की कोशिश करता है, चाहे वह मंत्र के द्वारा हो, चाहे वह कीर्तन के द्वारा हो, किसी भी माध्यम से वो उसको साधने की कोशिश करता है। उसे आसन की आवश्यकता होती है, वह अपने आप को आसन के ऊपर साधता है, जप करके साधता है, गुरु के द्वारा बताए गए नियमों के माध्यम से साधता है। जिनके पास गुरु नहीं है वे अपने आराध्य को ही, अपने इष्ट को ही गुरु मान करके उनकी कृपा से, उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में आकर अपने आप को साधने की कोशिश करते हैं। अब साधना क्या है? साधना है अपने मन को नियंत्रित करना, मन की चंचलता को कम करना, अपने शरीर को अधिक से अधिक समय तक परोपकार की भावना से आए लोगों के प्रति समर्पित करना, अपने आप को अपने आराध्य के समीप रखना, अपने आराध्य के चरणों में समाहित कर देना, समर्पित कर देना, यही सब साधना है। किस प्रकार की जाती है? लोग नियम ले लेते हैं, हम इतने दिन इतना जप करेंगे, इतने दिन की साधना करेंगे। तब आप ये जान लीजिए कि यहाँ जब साधना की बात आती है तो साधना सिर्फ ये नहीं है कि हम ये नहीं खाएंगे, हम इतना नहीं खाएंगे, हम एक टाइम खाएंगे, या हम भूखे रहेंगे, या हम सिर्फ पानी खाएंगे, या सिर्फ पानी पियेंगे, या सिर्फ लौंग खाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो एक सुख होता है, शरीर का सुख सबसे परम सुख होता है, जिसको इंद्रियां भोग करती हैं, जो ईश्वर की ही देन है। आप चाहें या ना चाहें, आपकी इंद्रियां उस सुख को भोगने के लिए आपको ललायत करती ही हैं। आप उस तरफ ध्यान ना देंगे तो भी वो इंद्रियां आपका ध्यान उस तरफ भटकाएंगी। तो यह भटकाव ना हो, हम अपनी इंद्रियों को अपने काबू में कर सकें, हम अपने मन की व्यग्रता चंचलता को कम से कम कर सकें, और अधिक दिनों तक बिना मन की चंचलता को लाए भगवान के प्रति हम 11 दिन 21 दिन 41 दिन 6 महीना जो उसकी जैसी अपने मन इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है, जितना होने लगता है वो उतने दिनों तक वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, स्वाद से लेकर के काम वासना आदि तक। तब उसी जो साधना काल, इसी को कहा जाता है कि हमने इतने दिन में इतना प्रयास किया, इतना प्रयत्न किया, इसमें संकल्प दिया जाता है, वो संकल्प न टूटे इसका ध्यान साधक को रखना होता है। ऐसी अवस्था में आप क्या करें, आप अपने आराध्य के ही ऊपर इस चीज़ को डाल दें कि भाई मैं साधना क्षेत्र में नया हूँ, मुझे अपने आप को साधना नहीं आता, मैं तो साधने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरे मन का चंचल होना स्वाभाविक है, ये सब आप ही का दिया हुआ है, तो इस चंचलता को रोकने के लिए मैंने 11 दिन की ये साधना उठाई है, मैंने 21 दिन की साधना उठाई है, या जो भी आपके मन में है कि मैं इतने दिन तो आराम से ही कंट्रोल कर सकता हूँ, आप अपने देवता पर ही उसकी जवाबदारी दे दें, क्योंकि परीक्षा में अच्छे अच्छे साधक का मन व्यग्र कर दिया जाता है या होने लगता है, तब यह जवाबदारी आप अपने इष्ट देव आराध्य देव पर ही डाल दें। तो आपका जो मूल प्रश्न है, क्या मुझे शिव की साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का धारण पालन करना होगा, तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि चाहे शिव की साधना हो चाहे अन्य देवताओं की साधना हो, परंतु हाँ यह बात अवश्य है कि जो गृहस्थ देवता हैं उनकी साधना में आपको उतनी कड़ाई से पालन नहीं करना होता जितना कि ब्रह्मचारी देवताओं की साधना में आपको यह नियम स्पष्ट रूप से कढ़ाई के साथ पालन करना होगा। कढ़ाई यानी कठोरता के साथ आपको पालना ही होता है, अन्यथा यह पलट करके आप पर विपता के रूप में, संकट के रूप में आ सकता है। तब आप ऐसे ही देवताओं की आराधना करें जो सहज रूप से, सरल रूप से, थोड़े से ज़्यादा मान करके आपको फल प्रदान करते हैं, सिद्धियाँ प्रदान करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
भोलेनाथ तो बोले हैं ही, परंतु वे काम वासना से बहुत दूर हैं, उन्होंने काम पर विजय प्राप्त की हुई है। तब अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्रह्मचर्य की साधना हो, आपको ब्रह्मचर्य की आदत पड़े या ब्रह्मचर्य किस प्रकार उसमें आप लीन रहे, तब आपको सर्वप्रथम शिव चालीसा पढ़ना चाहिए, शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, शिव के नाम का उच्चारण करना चाहिए और भगवान शिव के सानिध्य में आकर के ही अन्य देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए। उससे होगा ये कि आपके मन में वैराग्य की भावना आएगी, आप जितने दिन की साधना करना चाहते हैं उतने दिन आपका मन ना के बराबर चंचलता में रह करके आपको सफल साधक बनाने की ओर प्रेरित करेगा। तो आप किसी भी देवता की साधना हो, आपको ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही पड़ेगा। आप साधना ना करें, अगर आपकी चंचलता शांत नहीं होती है तो आप साधना ना करें, आप मात्र भक्ति करें। भक्ति में भी वही फल प्राप्त होता है, क्योंकि साधना में भी भक्ति होना जरूरी है, ईश्वर के प्रति भाव होना जरूरी है। सिर्फ आसन पर बैठ जाने से, मंत्रों को जप भर लेने से कुछ नहीं होता। उस मंत्र के प्रति, जिस देवता का मंत्र है उसके प्रति आपके मन में भाव, लगाव, श्रद्धा होना आवश्यक है। जब आप नियमों में बांधकर संकल्प के साथ जब पूजा पाठ करते हैं, तब आपको ब्रह्मचर्य को धारण करने की आवश्यकता होती है। तो अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद इस विषय पर तो मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर भी अगर किसी को कोई समस्या लग रही है या समझ नहीं आ रहा है, तो वे कृपया मुझे कमेंट में दोबारा से प्रश्न कर सकते हैं। मैं और भी सहज सरल तरीके से अन्य विषयों के साथ उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ जय मौड़ेश्वरी बोल बम। मदालशा मंजुलवाग्विलासाम महेंद्र नीलम द्योति कोमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।